विवेक महेश्वरी आपकी साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ और डिजाइन लेके। और सबसे पहले आप भी मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और मैं भी यहाँ से अपनी वीडियो को शेयर कर देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच जाए। हाँ ये आ गया और इसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। नीचे बोल दियो, चालू हुई नीचे बोल दो, ऊपर नहीं। हाँ जी हो गया। और देखिए सबसे पहले तो ये कि विचित्र सिल्क के ऊपर ये आइटम, इसमें पूरे में हैंडवर्क का डिजाइन जो पहन के आई है वो दिखा रहा हूँ मैं, पूरे में हैंडवर्क का पतला बॉर्डर और बीच में ये बूटे, सिंपल सुपर साड़ी। अभी ये मैम खुद भी कह रही थी कि इस साड़ी में प्लेटिंग बहुत अच्छी आती है। ये फैब्रिक कौन सा है? फैब्रिक विचित्रा सिल्क है। विचित्रा सिल्क में गेटअप भी बहुत अच्छा आता है और सिल्की सी आइटम लुक बहुत अच्छी आती है इसमें, ठीक है। इन द मीनवाइल मैं दिखाना चाहता हूं, आई नीड अ गोल्डन साड़ी। हेलो प्रीति अग्रवाल जी, गोल्डन साड़ी, गोल्डन लैकरा पे भी एक दो साड़ी निकाली है। इसके कलर्स यहाँ पे रख दीजिए। इसमें फिलहाल ये वाइन कलर, ग्रे और बॉटल ग्रीन, फिलहाल तीन रंग है इसमें आते हैं। प्रीति जी लैकरा पे, हाँ गोल्डन साड़ी में आपको लैकरा पे देता हूँ। इसमें फोर कलर्स हैं, आप मुझे गोल्डन लैकरा पे ना है एक दो साड़ी लेके आइए, वो पहना दिखाते हैं। आप जब तक चेंज कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको जब तक दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ। आपको खाली नहीं रहने दूंगा, बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ आइटम दिखाता रहूंगा, कुछ ये पहन के आएंगे कुछ मैं दिखाता हूँ। एक जब तक ये मैंने नेट पे साड़ी निकाली है, इसमें दो कलर्स हैं, ये देखिए, ये उनको दे देती पहन लेती, बीच में ज्यादा बेटर है। एक पीस उनको दे दो, एक पीस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। रजनी वर्मा जी राधे राधे, ये अभी पहन लेंगी। हेलो रजनी जी राधे राधे। और दीप्ति जी बोल रही हैं कि स्टोन वर्क की साड़ी में दिखाओ जॉर्जेट में। हाँ जी इसे निकाल के रख दो भैया, ये डिजाइन मैंने पहले दिखाया हुआ शायद, नहीं नया है, नया है ना, ठीक है। एक डिजाइन ये दे दो, एक वो दे दो, सारे नए डिजाइन देना लॉन्च में लगे। हेलो लक्ष्मी लक्ष्मी जी, ये देखिए एक मैंने जब तक ये दिखा रहा हूँ, जॉर्जेट के ऊपर हैवी बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर हैवी गोल्डन लेकर वो दे देते हैं ऊपर होगी, यहाँ पे होगी जो वहाँ जा रहा था सिलीगुड़ी माल जा रहा था सबसे ज्यादा। कोई और स्टेप का डिजाइन कोई सा भी दे दिया आप गोल्डन लेकर पे, एक्चुअल में वो ऑर्डर आगरा सिलीगुड़ी कानपुर झांसी मतलब काफी सारी जगह, नागपुर तो इस तरह अमरावती, ये सब जगह होलसेल में बहुत अच्छी, भोपाल, ये सब होलसेल की मंडी है, इन सब में अच्छा माल जा रहा था उसका। गोल्डन लैकरा पे मैंने डिजाइन बनाया हुआ है तो मैं इस तरह की काफी आइटम्स बनाता रहता हूँ। फिर वहाँ पे क्या होता है कि यदि मान लो उस शहर में ऐसा भी हो सकता है और होता है कि कोई डिजाइन आपने चूज कर लिया होलसेल में जा रहा, आप उससे क्वान्टिटी पार्सल वाइज भी ले रहे हो, तो वो डिजाइन फिर आपके शहर में किसी और को नहीं दूंगा, वो डिजाइन आपका मोनोपल्ली। ऐसा नहीं है माल नहीं दूंगा, माल दूंगा, वो डिजाइन ही नहीं दिखाऊंगा मैं, वो डिजाइन गायब हो जाता है मेरे इससे। आप वो कितने कहते रहे इस टाइप का डिजाइन आ रहा है आपके यहाँ से जा रहा है, मेरे यहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है, डजंट मैटर। मैंने कहा ये डिजाइन चाहिए, अच्छा भैया कोशिश करता हूँ बनाने की, जबकि डिजाइन तो मेरे ही जा रहा होता है लेकिन नहीं बताता। जो पार्सल पार्सल लेते हैं उस डिजाइन को कम कम लेते हो तो फिर तो मैं सबको दूंगा। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर, और इसके मैं प्राइस भी बता देता हूँ, बहुत सारे आइटम के प्राइस नहीं बताता, इसके प्राइस बता देता हूँ 2650 2650 रुपए। आप साड़ी उल्टी दिखा रहे हैं, वो बॉर्डर आप कहते हैं ना। हाँ सॉरी 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 इज राइट, मैंने साड़ी भैया उल्टी दिखाई है, भैया सही कह रहे हैं, ये साड़ी दिखानी ऐसे चाहिए थी। ये पल्ला हो गया, एक्चुअल बातें करते हैं वो है ना ध्यान नहीं रहा। हेलो शबाना जी, ये कौन सा कलर है? मोनी जी पूछ रही है, ये डस्टी कलर है, डस्टी, इसे पिस्ता कलर भी नहीं कहेंगे क्योंकि पिस्ता कलर तो ये रहा, दोनों कलर बहुत फाइन है, पिस्ता कलर ये रहा, ये बिल्कुल ही अलग कलर है भाई, कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो ये है और पिस्ता कलर ये रहा, दोनों कलर अलग अलग 2650 रुपए 2650, ठीक है भाई इसको यहीं रख देते हैं। इन द मीनवाइल आप कौन सी साड़ी दिखा रहे हैं वो दे दीजिए कोई सी भी। हाँ जब तक एक साड़ी मैं दिखा देता हूँ, एक दो वो दिखाएंगे पहनाएंगे, ये दिखाइए।
देखिए गोल्डन लेकरा पे एक और साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमने बिल्कुल सिंपल सोबर साड़ी, अभी मुझे गोल्डन लेकरा की डिमांड करी थी अरोड़ा जी, आपको ये चाहिए अरोड़ा निशा जी कह रही है, हाँ तो आप बुक कर दीजिए ना भैया, ऐसे आपको भैया ने आपको नंबर व्हाट्सएप किया, अपना नंबर वो कर दो तो उस नंबर पे आप बुक कर दीजिए। नीलांजला सर उतार जी, उसके जो मैंने नेट की साड़ी बताई थी, नेट की साड़ी 2650 2650 रुपए, आप कुरियर से मंगाते हैं तो प्लस कुरियर चार्जेस और लगेंगे, ठीक है ये देखिए, नहीं तो मेरी शॉप पे आके लेते हैं 2650, नहीं तो कुरियर चार्जेस 120 रुपीज कुरियर चार्जेस और लगेंगे। ये देखिए इम्पोर्टेड लेकर की साड़ी, सिंपल सुपर प्लेन साड़ी, अब ये बिल्कुल सिंपल सोबर हो गई, इसमें सिर्फ ये बॉर्डर लगाया हमने और ये नॉर्मल साड़ी, ठीक है, इसके संग ये वेलवेट का ब्लाउज दिया, अभी इसी के ऊपर मैंने स्टोन वर्क का काम कर दिया, अभी वो साड़ी मैम को बोला है मैंने कि बच्चे को पहन के आने के लिए, वो आती है तो आपको वो भी देखिएगा, उसमें क्या हुआ उसकी लुक हैवी हो जाती है, अपनी आइटम को भारी करना। एक इम्पोर्टेड लकड़ा पे हाफ हाफ में ये और साड़ी, ये फैब्रिक भी अलग है, और ये देखिए पल्ला, इसका पहले तो पल्ला देखिए, अब वहां से छोड़ दीजिए मैं ही दिखा देता हूँ, उधर क्योंकि वहां से टेढ़ी आ रही है, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी, मैं आपको पास लाके इसका क्लोजअप भी देता हूँ, ये देखिए इम्पोर्टेड नेट, कन्नी मुड़ गई, अच्छा ये देखिए ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी, और मैं इसका पीछे का बेस भी दिखा देता हूँ, बेस इम्पोर्टेड फैब्रिक पे, ये देखिए ये इसका बेस है, बहुत सॉफ्ट है ये, इस तरीके से बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, ये 1195 1195 रुपए हम ये बनाते हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हम इस तरीके से इसी का पल्ला ले लिया, आपने ध्यान दिया हो थोड़ा सा, ये जो मेरे रेगुलर वॉच करते हैं तो इसी का पल्ला ले लिया, इसी का हमने गाउन बना लिया, इसको कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए एक सेकंड आप ये छोड़ दीजिए, आप उधर आ जाओ कोई और पीस निकालो, मैं जब तक इनको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे खड़ी हुई है, हाँ ब्यूटीफुल अच्छी लग रही है, नहीं क्या होता है साड़ी ढंग से ड्रैप करी हो और साड़ी भी अच्छी हो तो लुक तो अलग आती जाती है, और ये इसका ब्लाउज हो गया 1195। कुछ आइटम्स के मैं प्राइस बताऊंगा, कुछ के नहीं बताऊंगा, वो मुझे पता है किस आइटम के प्राइस बताने किसके नहीं, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, जैसे ये आइटम हो गई इसके प्राइस आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, आइटम कैसी लग रही है गोल्डन लेकरा पे, ये हमने वेलवेट ये लेस लगा के, ये देखिए इसमें चौक ऊपर नीचे वेलवेट की पट्टी लगाते हैं, यहाँ पे एक पूरे में स्टोन ये लेस लगाते हैं, ठीक है इसमें स्टोन वर्क का काम, और यहाँ पे पूरे में स्टोन चिपका देंगे हमने, ठीक है तो इसकी लुक ऐसे आती है, इसके संग जो ब्लाउज है डबल स्टोन है हाँ ये देखिए स्टोन डबल है, ये ब्लाउज हमने सिर्फ एक बार उसके लिए पहना हुआ है, इसके संग ब्लाउज जो देते हैं ये प्लेन ब्लाउज देते हैं दुपेन का, इस तरीके से प्लेन ब्लाउज देते हैं रेड कलर के, ठीक है थैंक यू प्रीति जी, मैं बीच बीच में किसी कुछ कुछ कस्टमर्स को बोलता रहता हूँ यहाँ पे देखिए अपने मोबाइल में, सबको नहीं बोल पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी भी, और थैंक यू आप लोग इतना वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, ये साड़ी कैसी लगी ये बताइए, आप लुक कैसी आ रही है, इसकी लुक वैसे और बहुत बढ़िया हो तो यदि लाइट पूरी ढंग से डले, अब अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, मैं एक्चुअली में लेट हो गया क्योंकि कुछ कस्टमर्स थे, काफी सारी आइटम्स नई नई आई हुई हैं, अब इस बीच में चेंज करिए, मैं इनको यहाँ पे जब तक दिखाता हूँ, तो वो आइटम्स के चक्कर में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, यहाँ पे कस्टमर्स थे काफी सारी, सीक्वेंस में काफी सारे नए डिजाइन आए हुए हैं मेरे पास, अब ये दिखा दो पहले, चलो ये दे दो, मैं सोच रहा था वो डिब्बे वाली दिखा दो, ये देखिए भैया ने जब तक ये साड़ी हाथ में पकड़ा दी, मैं ये साड़ी दिखा रहा हूँ, हैवी ब्लाउज साड़ी दिखाइए, हाँ बीबा जी पूछ रही है सीओडी अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, 2,500-2,500 रुपए तक की साड़ी को हम सीओडी पे भेज देते हैं, उससे ऊपर की साड़ी होती है तो पेमेंट पे जाती है, एक पीस सीओडी पे भेजते हैं, एक से ज्यादा पीस लेना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो ही माल जाएगा, सिंगल पीस नहीं भेजते, मतलब सिंगल पीस भेज देते हैं, उससे ज्यादा पीस होते हैं नहीं। निशा बंसल जी अभी मैं आपको ना सीक्वेंस की साड़ी जो सीक्वेंस ब्लाउज के संग रेडीमेड साड़ीज आ रही है वो दिखाता हूँ, कुछ और भी डिजाइन दिखाता हूँ, काफी कुछ इसका कलर है इसमें जो मेरे हाथ में
इसके कलर्स होंगे, इसमें नहीं है, इस जैसे दूसरा एक दो डिजाइन ला दो, इसके जैसे दूसरे डिजाइन में, इस डिजाइन में नहीं होते क्योंकि मैं तो रोज कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ ना, इसमें दीप्ति जी कलर नहीं है। ये देखिए इसके मिलते जुलते कोई से भी डिजाइन ले आओ जिसमें कलर्स हो अलग कलर। ये देखिए ये साड़ी भी बहुत रेंज वाइज है। ये देखिए एक तो इसका बॉर्डर देखिए, पल्ले पे यहाँ पे बूटे लगाए हुए इस तरीके से, और ये पूरे में पल्ला इस तरीके से, पल्ले में पूरे में बूटे पल्ला आ जाएगा, और जो यहाँ पे बूटे लगाए हुए वो यहाँ पे कितनी की 1665 रुपए। ये इसके ऊपर यदि आप कोरियर से मंगवाते हैं तो जो कोरियर चार्जेस हैं वो अलग से लगेंगे। ये प्राइस मेरी शॉप के हैं, और ये इसका ब्लाउज हो गया ठीक है। आप जब तक वो भी खरीदिए जब तक वो लेके आ रहा है, खोलेंगे नहीं खोलेंगे ऐसे। वो डिब्बा भी दिखा दो, इसका डिब्बा ही डिब्बा कितना, ये देखिए डिब्बा इन्होंने इतना हैवी बनाया हुआ है, ट्रे वाला डिब्बा। इस तरीके से इसकी पैकिंग रहती है, पन्नी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि किसी को गिफ्ट करना हो ना तो गिफ्ट करने के सबसे बहुत बढ़िया जैसी फोटो है बिल्कुल एज इट इज आएगा, एज इट इज ब्लाउज पीस। फैब्रिक बढ़िया है, डिब्बा हैवी, लेकिन ये गिफ्ट करने के सबसे एक बार फोटो हटा कर देखो, फोटो हटा के और देखा तुमने। अच्छा ये देखो, क्रीम कलर की साड़ी ब्लैक है, क्रीम और ब्लैक साड़ी देखिए। ये देखिए नेवी ब्लू एज इट इज जैसे मैंने दिखाई है साड़ी, बहुत अच्छी। ये देखिए ब्लैक, और ये हैवी, इस पे टैग लगवाओ भैया, इसमें से टैग हट गया। 1850 रुपए, ये 1850। जैसी साड़ी है बिल्कुल एज इट इज आएगी। रख दो भैया, रख के आप कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो। ये देखो इस तरीके से सेम जैसी फोटो है वैसी साड़ी एज इट इज, फोटो देख लीजिए बस आप। ये साड़ियां खुलती नहीं है, खुलते इसलिए नहीं है, डिफेक्ट होता नहीं है क्योंकि फिर एज इट इज फोल्ड नहीं होगी। लुक जो इसमें आ रही है वो उसमें नहीं आती, मेन रीजन ये है। मैं आपको एक साड़ी और दिखा रहा हूँ, शॉप पूछ रही है। मेरी शॉप यहाँ पे चांदनी चौक नई सड़क पे, नई सड़क पे है, नया मारवाड़ी कटरा बराबर में है, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो के सेंटर में, चावड़ी बाजार मेट्रो और चांदनी चौक मेट्रो के सेंटर में, बिल्कुल बीच में कोई 5-10 मीटर का फर्क हो तो बात अलग है, बराबर में नया मारवाड़ी कटरा है। आप जैसे चावड़ी बाजार जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं उनको बेटर ये है, चावड़ी बाजार मेट्रो होती है, चांदनी चौक मेट्रो की बजाय चावड़ी बाजार मेट्रो। चावड़ी बाजार मेट्रो से आपको रिक्शा मिल जाता है, नई सड़क नया मारवाड़ी कटरा, एक मतलब यदि 2-3 जने होते हैं तो 20 रुपए सवारी के सबसे बड़े आराम से आ जाता है। अब पूछने से बढ़िया रहेगा। ये देखिए उसी के जो अभी आप पूछ नहीं थे ना जिसमें कलश, उसमें ये देखिए कलश मिल गए। आ जाइए आप इसे छोड़ दो, उसके कलश ले आओ, ये मैं दिखा देता हूँ आप यहाँ पर, इसके कलश ला दो, 2-3 कलश इसी डिजाइन के। ये देखिए 1665 वाली जो थी 1665 की, उसके कलश मिल गए। ये रेड कलर भी है उसमें पल्ले पे ब्रशो, और ये आजकल ये फेंटा कलर भी बहुत अच्छा डिमांड में है। कौन सी साड़ी का जो आपने दिखाई थी कलिस्टा की, मैं एक बार नीचे किसी को पूछना भैया कि ये कलिस्टा खोल दूंगा बॉक्स में, कलिस्टा खोलनी है बॉक्स से नहीं ना, पूछ लो फिर भी पूछ लो, कलिस्टा खोल के दिखाते हैं नहीं दिखाते बॉक्स में भैया से पूछो। ये देखिए इस तरीके से अभी मैंने ये इस तरीके से आएगा, इसके तीनों कलर्स मैंने आपको दिखा दिए, एक बार इनको साइड कर देता हूँ।
खोल दो, चलो खोल दो। एक ये मैंने बनाई है नूरेक्स लाइनिंग पे, जो ये मैंने इसमें पूरे में लाइनिंग है, इसमें हमने वेल जो पट्टी दी है वेलवेट की, जिस पर सर्वोस्की का वर्क हुआ है। ब्लाउज प्लेन दिया है सीगा, इन्होंने फिलहाल एक सैंपल के लिए अपने मैचिंग का ब्लाउज पहना हुआ है, ब्लाउज इसमें मैचिंग का आएगा। मैं एक पीस कोई सा और दे दी, ये दे दी, ये कलर भी और उसका मैं भी कह रही हूँ कम्प्लीटली लाइट वेटेड है, लाइट वेटेड साड़ी है और इसमें पूरे में शाइनिंग आती है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से शाइनिंग आएगी इसमें, इसकी कलर्स नीचे रख दीजिएगा, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक, सिंपल सोबर साड़ी, हल्की सी शाइनिंग भी चाहिए और ज़्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए, एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए, तो उस तरीके से। और रेंज वाइज भी बहुत बढ़िया, 1000 से नीचे की है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप भैया से व्हाट्सएप पे पूछिए या एक दो दिन की वेट करिए, तो एक दो दिन बाद ये हम अपलोड कर पाएंगे इसको। ये देखिए, और ये इसका ब्लाउज हो गया। अभी फिलहाल इसमें चार कलर बनाए हैं, डार्क कलर। ये देखिए इसके प्राइस बिल्कुल अभी अभी आया, आते ही सबसे पहले आपको शो कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस बीच में चेंज कर लीजिए, मैं इनको और देखा था दस कर। कौन सी वाली साड़ी कह रही थी उसमें, ब्लैक, रेड, नेवी ब्लू, या वो कौन सी पूछे उनसे? रेड वाली मैम, ये लीजिए। वो कह रही है रेड वाली ये साड़ी जो थी, ये वाली साड़ी खोल के दिखानी है, तो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। पूरे में वर्क बॉर्डर, यहाँ पे स्टोन्स भी मैचिंग के और डबल बॉर्डर। ये देखिए, और नीचे भी, ये देखिए नीचे भी बॉर्डर है। एक तो बॉर्डर ये हो गया, एक ये लेस लगी हुई, एक ये लेस लगी हुई, इस तरीके से तीन लेसेस। प्लेन सिंपल सोबर साड़ी, ऐसे इसको लगा के पैक करिएगा। और ये इसका ब्लाउज हो गया, जैसे ही फोटो में दिखाया था, हैवी ब्लाउज फ्रंट बैक और स्लीव्स के लिए। ये 1350 रुपये, 1350 1350 रुपये। ठीक है, 1350। इसको खोलते कम ही इसलिए है, पैकिंग में फिर दिक्कत होती है, कस्टमर ही कहता है भैया गिफ्ट वगैरह करनी है, किसी को देनी है, तो उस तरीके से 1350 1350 रुपये। इस बीच में जब तक मैम पहन के आ रही है, मैं आपको एक साड़ी और खोल के दिखाता हूँ। जी किसके प्राइस पूछ रही है मनीषा जी, बाले मनीषा जी, रेड के प्राइस पूछ रही है 1350 1350 रुपये। मिर्जा जी भी पूछ रही है किसके आइटम के प्राइस, ये नहीं पता चल रहा। वो जो आपने हैंडवर्क की साड़ी दिखाई थी अभी कुछ टाइम पहले, इसके अभी नई साड़ी आई है वो, उसके जो भी नई साड़ी है उसके प्राइस, तो उसकी बॉर्डर क्या अभी उसके प्राइस अभी खोल ही नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके प्राइस अभी उतार देते हैं। ये देखिए हैवी साड़ी, हैवी रेंज। इसमें क्या किया, जो वेलवेट के ऊपर, देखिए वेलवेट के ऊपर पहले वर्क किया एम्ब्रॉयडरी, उसके ऊपर पूरे में स्टोन वर्क चिपका दिए, बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर भी बहुत हैवी, ये देखिए बॉर्डर हैवी कर दिया, पल्ला देखिए कितना हैवी, और बीच में ये बूटे डाल दिए इस तरीके से, जो नीचे पूरे पैनल में, मैं आपको दूर जाके दिखाता हूँ, पैनल में भी पूरे में बूटे आ जाएंगे इस तरीके से, पूरा पल्ला हर किसी तीन चार रखे हैं, तीन स्टोन हर बर्फी के अंदर, और हाँ हर बर्फी में ये देखिए एक दो तीन तीन स्टोन, तो स्टोन बहुत अच्छे लगा दिए ताकि इसमें शाइनिंग लुक बहुत अच्छी है, लुक अच्छी के लिए उसको कर दिया, नीचे पूरे में पैनल में बूटे दे दिए, तो जो सारी ड्रैप करी जाती है तो उसकी लुक अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। कितने की? 2825 2825 2825। ये देखिए, और ये इसका स्कर्ट हो गई,
स्टाइल चेंज हो गया यहाँ पे, स्टाइल चेंज हो गया पल्ले से, लुक तो तभी हैवी आती है, हैवी लुक आएगी। ये सुमित जी 2825 रुपए 2825, और ये इसका प्लेन ब्लाउज हो गया। साड़ी अपने अपने बहुत हैवी है तो ब्लाउज प्लेन कर देते हैं, एक बात समझिए, साड़ी कम करते हैं तो ब्लाउज हैवी कर देते हैं हमेशा। ये एक तरीका होता है बनाने का, साड़ी कोई भी साड़ी जब बनाई जाती है तो या तो साड़ी हैवी होगी तो ब्लाउज हल्का कर देंगे, और ब्लाउज हैवी होता है तो साड़ी हल्का कर देंगे। जो मैंने अभी आपको आइटम दिखाई थी उसी में एक और डिजाइन नूर एक्स लाइनिंग पे, इसमें चौथा और बॉर्डर और बीच में बूटी। पहले आप इसको क्लोजअप देख लीजिए, फिर इसको मैं आपको अलग से दिखाता हूँ खोल के साड़ी। और इसके बाद जो आने वाला है, अभी सीक्वेंस की साड़ी भी पहन के आएंगी मैम, मैंने उनको बोला है सीक्वेंस की साड़ी दी है, सीक्वेंस बॉर्डर के साथ। सर काफी अलग अलग आइटम्स दिए हैं मैंने, और कोशिश मेरी यही रहती है कि अलग अलग आइटम दिखाऊं, क्योंकि जो भी बेचता है वो सब तरह की मिक्स वैरायटी उनको चाहिए होती है। ये साड़ी देखिए, पहले पूरे में बूटी, हैवी बूटी, और स्कर्ट भी काफी बड़ी, कलर वेरिएशन है, कलर वेरिएशन है भैया कह रहे हैं, कलर वेरिएशन आ रहा है, इसकी कलर्स ले आइए आप, कलर्स ला कर दीजिए, देखो ना। हाँ सही है भैया कह रहे हैं, मोबाइल में आप खुद देख लो कलर, आप कुछ दिखा रहे हो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। ये ग्रीन टाइप का कलर है, और यहाँ पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है फिरोजी टाइप का नजर आ रहा है। आप किसके, ये 1850 रुपए, 1850, 1850 रुपए की ये साड़ी है जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ की, ये नहीं जो मैम पहन के आई है, ये मैंने अलग बनाई हुई है साड़ी। अब इसमें हमने क्या किया, आप ये देखिए साड़ी में, पहले तो ये साड़ी देखिए, ब्लाउज देखिए, इसमें वही इम्पोर्टेड फैब्रिक पे बनाया हुआ हमने, ठीक है। ये इसका पल्ला हो गया, ये पल्ला हो गया, उसके लिए यहाँ पे पूरे में हमने ये सीक्वेंस की डिब्बी बना दी, इसे डिब्बी वाला डिजाइन बोलते हैं, एक्चुअल में डिब्बी डिब्बी बनी हुई है तो डिब्बी वाला डिजाइन बोलते हैं। पूरे में बॉर्डर में भी, नीचे भी, स्कर्ट में भी, और यहाँ पे पूरे में ये डिब्बी लगा दी पेस्ट इस तरीके से, और ये डिब्बी वाला ब्लाउज। साड़ी कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा, अभी बन के ही आया है माल, आते ही सबसे पहले दिखा रहा हूँ। इसमें सीओडी अवेलेबल है, प्राइस यहाँ पे मत पूछिए, प्राइस आपको एक दो दिन में या तो मेरी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, वहां से देखिएगा या व्हाट्सएप पे पूछिए। आप इसके कलर सर्च कीजिए, ऐसी दे दीजिए, ये देखिए उल्टी दे दी, रेडीमेड साड़ी में ये रहा नेवी ब्लू, ठीक है। इस बीच में मैम को कह दूं कुछ और पहना है, जब तक आप दूसरी पहनेंगे मैं जब तक इनको ये दिखा रहा हूं। ये ब्लैक देखिए, कलर सारे बहुत बढ़िया। हाँ जी, सीओडी किस साड़ी में अवेलेबल है, सीओडी चार्ज भी लगेंगे सुनता जी, सीओडी अवेलेबल है लेकिन सीओडी चार्जेस लगते हैं। कोरियर कंपनी जिसको हमें देना होता है, मतलब जो हम आपसे कैश कलेक्ट करके हमें पेमेंट देती है, उसके चार्जेस कुछ होते हैं, वो सीओडी चार्जेस लगते हैं और वो आपको देने पड़ेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो कस्टमर यदि पे कर रहा है तो या तो दो तरीके, मैं सीओडी चार्जेस ऐड कर दूं हो सकता है, अब जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है उसको फिर डिस्काउंट दूं ये भी हो सकता है, और जो मेरी होलसेल प्राइस है उसको मैं अलग प्राइस बताऊं, तो ये तो बहुत घिचपिच हो जाएगी, बहुत घिचपिच हो जाएगी, सब लोग अलग अलग होते रहेंगे। जो शॉप पे आके बेचारा पेमेंट करके दे रहा उसको अलग से डिस्काउंट, क्योंकि ये सब करूं क्यों सिर्फ एक कस्टमर की वजह से। सबसे बेस्ट है मेरे प्राइस ये हैं, अब जिसको जो जो फैसिलिटी चाहिए, मेरे प्राइस फिक्स है, जो जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी लेते रहो, सबसे बेस्ट है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सीओडी चार्ज चाहिए भाई, किसी को सीओडी पे चाहिए सीओडी चार्ज ऐड कर लो, आप कहते हो पार्सल लगा दो पेमेंट मैं कर रही हूँ तो पार्सल के पेमेंट वो कर लो, हर चीज के मतलब ऐड करते हो। आप कहते हो शॉप पे आ रहे हो तो ये प्राइस है ही, कोई कहता अमेरिका भेजना है भेज देता हूँ,
वहां के कोरियर चार्जेस अलग होंगे, तो वो उस तरीके से मेरे प्राइस फिक्स रहे साड़ी के, और जो जो जिसको जितनी फैसिलिटी चाहिए उससे सबसे वो अवेलेबल हो जाए। वेलवेट में साड़ी मैम दिखाता हूँ वेलवेट में, और इसके प्राइस निश्चिता जी मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो व्हाट्सएप पे पूछिए या ऐप पे, एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी, एक दो दिन का समय लगेगा तो वहां पे देख लीजिएगा, यहाँ पे प्राइस नहीं बता पाऊंगा। नीरू जी शॉप मेरी यहाँ पे नई सड़क पे है, 1548 नंबर, 1548 नई सड़क नियर न्यू मारवाड़ी कटरा। आप वेलवेट में ना वेलवेट पल्ले में एक दो साड़ी दीजिए। ये देखिए मैरून कलर, आप बोलिए मैं यहाँ पे दिखा, ये देखिए इस तरीके से साड़ी। मैं जब तक आपको एक आध और आइटम दिखा रहा हूँ, ये ऑर्गेंजा पे साड़ी, ऑर्गेंजा पे साड़ी पहले पास से क्लोजअप दे रहा हूँ, देखिए पूरा सर्वोस की बॉर्डर और बीच में रेशम का काम और मोर बना हुआ, मोर के ऊपर भी पूरे में सर्वोस की उल्टा देखो फेर सीध हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ऐसे कर देते हो क्या ना, ठीक है मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ सॉरी, क्योंकि काम बहुत फैंसी है और थोड़ी सी हैवी काम है। परमिला जी का ये फुल सीक्वेंस में दिखाइए, फुल सीक्वेंस में साड़ी, फुल सीक्वेंस की साड़ी भी कोई ले आई है, ये देखिए मुझे दे दो, देखिए 3050 रुपए 3050, और ये इसका ब्लाउज हो गया, ब्लाउज हैवी स्लीव्स भी बनी है और गला बना हुआ पूरा में पीछे पेस्टिंग हुई है, तो 3050 रुपए 3050। फ्रीक्वेंस में सबसे सस्ता ये है ज़ारा फ्रीक्वेंस ऑल ओवर में। ऑर्गेंजा के प्राइस क्या थे? 3050 रुपए ऑर्गेंजा के, फ्रीक्वेंस के प्राइस नहीं बता रहा हूँ। हाँ गाउन भी हैं, एक कोशिश करता हूँ गाउन भी मैम को पहनाने के लिए। थैंक यू अनु जी, बल्कि जी मैं कोशिश करता हूँ गाउन की पहनाने की, क्योंकि गाउन का पता जब ही चलता है गेटअप जब ही आता है जब पहना हो ड्रैप किया हो, अदरवाइज पता ही नहीं चलता गेटअप नहीं आता। देखिए ऑल ओवर सीक्वेंस सबसे सस्ता सीक्वेंस, इससे सस्ता सीक्वेंस नहीं है, बाकी सारे सीक्वेंस इससे महंगे आएंगे इम्पोर्टेड फैब्रिक पे। इंडियन फैब्रिक पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इंडियन फैब्रिक सस्ता होता है, लेकिन कस्टमर कह रहा है, कस्टमर को जब आप पैसे ले रहे हो तो उसको माल तो दो, कस्टमर ये थोड़ी कह रहे कि इतना सस्ता तो हर एक को चाहिए होता है, लेकिन कम से कम जो आप उससे ले रहे हो उसको उस हिसाब से दीजिए तो सही। ये देखिए अभी मैं एक साड़ी बना रहा हूँ, ठीक है उसका मैं तो कट पूरा लेके चल रहा हूँ, ऐसे भी हैं बाजार में जो 5 मीटर में बना रहे हैं, 5 मीटर में यार कस्टमर से 1000 रुपए की 1500 की साड़ी आप लेके उससे 5 मीटर की साड़ी दोगे तो भाई साहब कस्टमर क्या करेगा आपके साथ, गुस्सा नहीं होगा, गाली तो बकेगा बकेगा, कस्टमर भी सही होता है, हर बार कस्टमर गलत नहीं होता, हर बार शॉपकीपर गलत नहीं होता, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। 5 मीटर की साड़ी बना के दे रहे हैं आप 1000+ की साड़ी में, 5 मीटर की साड़ी बना के दोगे ब्लाउज 36 पे दोगे 34 पे दोगे 36 में कस्टमर के गुस्सा तो होगा ही होगा, उस वजह से दो चार पांच आदमी 10 आदमी जो भी इस तरह का काम करते हैं क्या होता है, हर एक जना जितने भी रिटेल कस्टमर है वो सारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जितने सेल करते हैं होलसेलर्स शॉपकीपर सब कुछ चोर समझते हैं। मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि इतना छोटा कट मत करिए, कस्टमर को जो 5.5-5.40, 5.35-35-40 देना आपको वो देना चाहिए कम से कम। कर एक साड़ी कुछ पकड़ा दीजिए, देखिए अलग अलग वैरायटी सब चीजें अलग अलग, ऑर्गेंजा की साड़ी ऑनियन कलर। थैंक यू अलका जी, थैंक यू वेरी मच। सीमा जी बांधनी साड़ी है, बांधनी साड़ी का मुंदरी वाली साड़ी, बांधनी साड़ी कोई हो तो एक दो डिजाइन, ये देखिए
पहले साड़ी देखिए नीचे स्कर्ट हैवी स्कर्ट, फिर मैं इसके प्राइस बताता हूँ पूरे में बूटे, शायद खुल के पता चलेगा आप ऐसे में। पहले पीस देखिए, और ये इसका ब्लाउज पूरे में ऑल ओवर बूटी, पूरे में ऑल ओवर बूटी ऑर्गेंजा की साड़ी। ऑर्गेंजा में ना लुक ही अलग आती है, रिच लुक आती है बिल्कुल। डबल 275 2275 2275 की ये साड़ी है। ये देखिए मैम पहनाई जो हमने डिजाइन किया है नया पीस। ये पीस कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आज कितने नंबर दे रहे हो? 10 out of 10 आप दे रही हो, बाकी लोगों को भी तो होना चाहिए। कस्टमर्स बताएंगे कि 10 में से कितने नंबर मिलेंगे मुझे आज इसके लिए। सिंपल सुपर साड़ी, नूरेक्स लाइनिंग पे गर्लिश साड़ी। इसके भैया कलर्स देंगे वहां पे हैं? इसमें हमने 5 कलर बनाए थे, एक दो कलर जो भी सामने रखे वो दे दो आप। ये देखिए, और ये सीक्वेंस का हमने इसमें ब्लाउज दिया है सीक्वेंस का, और सीक्वेंस खिचड़ी का हैवी और ये पूरे में हमने इसमें बॉर्डर इस तरीके से लगाया हुआ। साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा, और बहुत रेंज वाइज साड़ी है। एक दो कलर जो है वो दे दो, कलर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सीमा जी, आपने तो मुझे इतने सारे नंबर दे दिए। थैंक यू सीमा जी। ये देखिए अभी फिलहाल इसमें 2 कलर हैं, मतलब इसमें बनाए हमने 5-6 कलर थे सारे। आते ही अभी माल खुला है, खुलते ही कस्टमर बैठे होते, इसलिए मैं लेट हो गया। उन्होंने हाथों ले भी लिए और ले गए, होलसेलर्स थे, बाकी के पार्सल जाना है, लेकिन वो ले गए, कहेंगे पीस भैया अच्छा लग रहा है इसका, हम जब तक हमारे पास कल तक पार्सल पहुंचेगा, क्योंकि मैं शाम को पैक कराऊंगा, शाम को यहाँ से उठेगा पार्सल, कल तक उनके शहर में पहुंचेगा, कल सुबह तक पहुंचेगा, क्या नहीं कल शाम तक, कल तक तो मैं आपको ऑर्डर रिपीट कर दूंगा। ये उन्हें भी डिजाइन बहुत अच्छा लगा। ये 2 पीस एक्चुअल में नीचे दब गए थे, नहीं तो ये पीस ये भी नीचे होते, ये भी चले जाते हाथों। तो इस तरीके से मेरे साथ होता है एक्चुअल में, कस्टमर्स आते हैं वो माल आता रहता है जाता रहता है पैक होता रहता है, मैं कई बार इसलिए नहीं दिखा पाता, डिजाइन तो बहुत सारे बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक बात और खास बात, इसमें हमने डबल ब्लाउज दिया। एक तो ये स्टिच ब्लाउज जो इसके साथ दे ही रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, जो 38 साइज तक होता है, और किसी को हैवी चाहिए या उन्हें चाहिए कि मैं प्लेन ब्लाउज में अपने हिसाब से 44, 46, 48 वाले कहाँ जाएंगे, उनके लिए हमने ये प्लेन ब्लाउज दे दिया। अब आप ये सिल्वर ये ले लीजिए, वो ब्लाउज किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा, बस इतने हो सकता है, क्योंकि मैंने तो दोनों प्राइस जो खोले हैं वो विद ब्लाउज के डबल ब्लाउज के साथ खोले हैं। ये आप 44, 46, 48, 50, 52 कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा सा फालतू पटक बना लीजिए। कैसी लगी साड़ी बताइएगा जरूर, बहुत रेंज वाइज साड़ी है। आप इस बीच में वो कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, मैं इनको कुछ और दिखाता हूँ। थैंक यू जी, ब्यूटीफुल कलेक्शन कितना होता है नीरू जी ने, थैंक यू नीरू जी। सीमा जी क्या कह रही है, सीमा जी की भी सुन लेते हैं। जो आपने पहले दिखाई दी बांधी हुई साड़ी, उसका प्राइस सीमा जी अभी प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, यही रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, यहाँ पे मत पूछिए। वो भी रेंज वाइज साड़ी है, बहुत बढ़िया कंपटीशन की डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है। जैकेट वाला साड़ी, हाँ ममता जी मैंने जैकेट वाली साड़ी दिखाई थी ना पीछे, महोत्सव की साड़ी दिखाई थी, जैकेट वाली महोत्सव में बना रहे की साड़ी है, हम नहीं बना रहे, महोत्सव की साड़ी है। ये देखिए शिफॉन पे बांधेनी, पूरे में स्टोन्स लगे हुए पत्ती पे, और बॉर्डर देखिए, बॉर्डर कितना हैवी। एक्चुअल में कपड़ा के फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल है, बॉर्डर कैसा इस्तेमाल है, स्टोन कितने वर्क का, कितना स्टोन वर्क का काम है, ठीक है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी मिल की प्रिंटिंग है, डाइंग कौन सी मिल की है, यदि इंडियन फैब्रिक है, इंपोर्टेड फैब्रिक है, तो वो भी उसके ऊपर की कितने जीएसएम का माल है, ग्राम पर मीटर। एक्चुअल में इस तरीके से होता है, जो पहले के लोग नहीं कहते थे कपड़ा वजन से बिकता है, तोल से बिकता है, तो ऐसे ही होता है,
कपड़ा जो हैवी रेंज होती है। हाँ, जो लाइट वेटेड होते हैं शिफोन 60 ग्राम 40 ग्राम 30 ग्राम तो वो महंगे होते हैं, वो जितना लाइट होता है उसको होता है, क्योंकि उसमें जो कपड़ा बनता है ना, धागा बनता है, तो कितनी बार घुमाया हुआ उसके ऊपर से होता है। ये देखिए, वो आप नहीं समझ पाएंगे टेक्निकल चीजें। ये इसका ब्लाउज हो गया, ये 1700 रुपये है ना, 1700 रुपये 1700 1700 रुपये ये साड़ी है। और यदि आप कोरियर से मंगाते हैं तो कोरियर चार्जेस और ऐड हो जाएंगे, सीओडी पे मंगाते हैं तो सीओडी चार्जेस और ऐड हो जाएंगे, ये सीओडी पे अवेलेबल है। अब ये देखिए, एक हैवी साड़ी, काफी हैवी, बहुत हैवी, सीमा जी एक्चुअल में क्या होता है, रिप्लाई जल्दी इसलिए नहीं हो पाता। मान लो एक बार में 500 आदमी के व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्वेश्चन आ रहा है, 500 आदमी ने क्वेश्चन आंसर करे हुए हैं, तो अब वो रिप्लाई करते करते 500 आदमी को एक दिन दो दिन पूरा टाइम लग जाता है एक मोबाइल पे। और ये इतने सारे मोबाइल हैं, सब मोबाइलों पे ये सिचुएशन हो जाती, किसी पे 200 आए, किसी में 100 आए, किसी में 400 आए, किसी में 500-700 आ गए। ये अब कुछ एक कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं एक ही मोबाइल पे मैसेज करें, उन्होंने तीनों मोबाइल पे, चारों मोबाइलों पे, पांचों मोबाइलों पे मैसेज कर दिया, तीन मोबाइल पे कर रहे हैं, एक जना रिप्लाई कर रहा है, दूसरा जना भी वही रिप्लाई कर रहा है, तीसरा जना भी वही रिप्लाई कर रहा है, टाइम तो खराब होता है ना, इसलिए कहते हैं सिर्फ एक ही मोबाइल पे करिए और थोड़ी देर वेट करिए। ये देखिए सिल्क के ऊपर एक और डिजाइन, पूरा हैवी जाल, पूरा हैवी, और स्टोन वर्क का काम, रेड कलर, ये इसके गेटअप आते हैं जब लाइट डल पड़ती है पूरी ढंग से, तो लाइटों में इसका गेटअप आता है। 3525 3525 सिर के ऊपर है। और ये इसका ब्लाउज हो गया, बहुत हैवी साड़ी, देखिए वहां पर तो मुझे एक लहंगा दे दीजिए, मैं लहंगा दिखा देता हूँ। सोनिया जी कह रही है ऑर्गेंजा फिर से दिखो, ऑर्गेंजा में कुछ और दिखा देता हूँ, ये रख दीजिए आप, कुछ और ले आइए ऑर्गेंजा में एक दो पीस। हाँ कोई से भी ले आइए, यहाँ से ले लो ना, ये यहाँ से एक बंडल खोल लीजिए, नया कम रेंज का खोल लेता हूँ, यहाँ पे लगे हुए बहुत सारे। ये लहंगा हो गया, मैं पास से लाके इसका क्लोजअप भी दे रहा हूँ आपको, ये देखिए कम रेंज में फ्रंट बैक और स्लीव्स, फ्रंट बैक और स्लीव्स, इसका दुपट्टा आपको दे दीजिए। सर आपके लाइफ में बहुत कुछ थी। अरे अनीता जी मैं कौन हूँ सिखाने वाला, थैंक यू वेरी मच, यदि आप फिर भी करें और छोटे दिखेगी, क्या क्या चीज छोटी दिखाएंगे, ये देखिए जैसी फोटो है बिल्कुल एज इट इज आएगा। अब जो पहन के आ रही हैं मैम, वो चीज आप सब रेडी हैं, सब रेडी हैं, आ जाओ। ये देखिए जो मैंने, इसकी मेरे पास इतनी बुकिंग है, इतनी बुकिंग है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन भैया कह रहे थे एक दो जनों ने कहा, कहने भैया दिखाऊंगा सर दिखाओ, मैंने ये दिखा दी प्लीज। मैं
मेरे पास इतने पीस हैं, इतनी बुकिंग है इसके, मैं यदि डेली सुबह से शाम तक ये पैक कराता रहूं ना, कस्टमर मेरे पास माल बन के आता रहा फैक्ट्री से, तो मैं ये पैक कराता रहूं सारे पार्सल खत्म है, पार्सल के पार्सल के हिसाब से। इसमें मैंने क्या किया, हाफ हाफ ले ली। हाफ हाफ लेने से, हाफ हाफ लेने से क्या फायदा, क्यों बनाते हो हाफ हाफ? सबसे पहली बात तो समझिए, हर कस्टमर की रेंज में आ जाती है, आपकी रेंज है इससे मतलब नहीं है, हर कस्टमर की रेंज नहीं होती, हमें सबके बारे में सोचना है, तो इसकी रेंज में आ जाती है। फिर ये होता है जो ये सीक्वेंस है, ये पानी देना बेटा, पानी देना बोतल में। तो ये सीक्वेंस है, ये उठ जाता है, ये सीक्वेंस उठ जाता है। इसके सामने ये लेकरा बेसबॉल इस्तेमाल करिए, जिसमें फर्क नहीं पड़ता, इसमें जस्ते नहीं पड़ते। नीचे हमने बॉर्डर दे दिया, हाफ हाफ में बनाइए। और ये जो ब्लाउज बनाया है, ब्लाउज देखिए, और ये वही गौरव गुप्ता जी स्टाइल सिंपल सोवर, और ये यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया। साड़ी की लुक देखिए कैसी आ रही है, मुझे बताइएगा। इसका ब्लाउज मैं एक मिनट में अभी आपको दिखा रहा हूँ पास से। इसमें दो चार कलर सोनू भी, इसमें दो चार कलर दे दीजिए। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज कितने सारे, ये देखिए, और भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं लास्ट में भी दिखानी चाहिए, ताकि लोग जो कस्टमर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो लास्ट तक बैठे रहे जम के। बाहुबली पिक्चर नहीं थी, उन्होंने लास्ट तक क्या हुआ, एक ट्विस्ट डाल के छोड़ दिया, एंड में क्या हुआ, हरे ये ना उसी चक्कर में था। ये कुछ ना कुछ तो मैं भी अपनी वीडियो में रास्ता करना चाहिए। ये पिंक हो गया, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें डार्क कलर हाफ हाफ में, आप जितने पीस बेचना चाहें, जितने आप बेचना चाहें, जो आपकी ताकत हो उतने पीस बेच सकते हैं। इसके एट प्रेजेंट ये पोजिशन है, खोल के नहीं दिखा रहा हूँ पूरे पीस, खोल दूं बताइए, खोल दूं? चलिए खोल देता हूँ मैं आपके सामने पीस। मैम को भेज दूं जूता, एक गाउन आप कह रहे थे, गाउन पहना के दिखा दूं? ये कैसी लग रही है, पीस कैसा लग रहा है, मेन बात यह है। खाली पीस की बात करिए, ये पीस कैसा लगा, साड़ी कैसी लगी, कैसा हमने डिजाइन किया। नेट की वजह कुछ कोशिश करी थी अलग हटके बनाने की। अब प्लीज इस बीच में चेंज कराइए, गाउन भी दिखा देते हैं, मैं इनके कलर दिखा रहा हूँ इनको, ये देखिए। और फिर वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, उसके बाद फिनिश भी करते हैं। ये देखिए हाफ हाफ में नेवी ब्लू के संग ये पीस, सबके ब्लाउज जैसे वो दिखाए मैंने वैसे आएंगे। और बस पीस पकड़ते रहिए, पिंक मैंने दिखाई दिया, पिंक की जरूरत ही नहीं है। पीच कलर सबसे ज्यादा डिमांड में बिक रहा है, इतना ज्यादा हॉट मैंने सोचा नहीं था। अरे कलर का हर चीज का एक टाइम आता है, ये देखिए इस समय इसका टाइम आया हुआ बाहर। बाकी तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। ब्लैक देखिए, ब्लैक में भी ला जा रहा हूं। प्रियंका जी, एकता जी, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ के विनती है, नया डिजाइन है जो दो आप लोग जो देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे ले लीजिए, बाकी जो दुकानदार बेच रहे हैं उनको बेचने दीजिए, उनको भी कमाने दीजिए, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। क्या होता है एक बार समझिए, जिसको मुझे प्राइस पता है, अब मैं क्या हुआ भाई, यहाँ से तो लेनी नहीं है, यहाँ से तो प्राइस पता चल गया, अब बाजार में जाके ट्राई कर रहा है। बाजार में ट्राई करो तो जो शॉपकीपर शॉप लेके बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट करी है, यार कि मैं कोई छोटी सी छोटी जगह में 25-50 लाख रुपए की दुकान नहीं मिलती, उसने 25 मान लो 50-60 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की दुकान ली हुई है, प्लस बिजली पानी लाइट स्टाफ सब कुछ खर्चा भी किया हुआ, तो भैया वो भी बेहद पेट लेके बैठा हुआ है काम करने के लिए, तो उसे भी तो कुछ मार्जिन लेने दो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले लो, नहीं तो उससे ले लो ना जो वो मार्जिन दे रहा है। बीच में मेन रीजन यही होता है। और मेरे शॉपकीपर आज आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, शॉपकीपर्स तो बहुत खुश होते हैं, जब आप अपनी दुकान खोलोगे तो आप भी यही चाहोगे कि भैया इसके प्राइस मत बताइए, यहाँ पे ओपन मत करो, आप वैसे जो मर्जी करो, प्राइस ओपन मत करो। तो जो शॉपकीपर ले रहे हैं उनको तो बेचने दीजिए। मैरून देखिए, कलर्स सारे फैंटास्टिक कलर्स, वो ग्रीन
आइटम्स तो मैं बनाता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, बस अब ये बताइए क्या और क्या बनाना है। वो साड़ी आ गई थी लेदर ब्लाउज वाली जिसमें वो बगैर बनी है ना, इस समय पैक करा दी सारी, एक साड़ी दिखा दो। चलो कोई बात नहीं छोड़िए, मैं जब तक ये वो लहंगा उठा दी। ये तो पिंक तो खोला ही, तो पिंक क्यों खोला है एनके एनके खोला है पिंक तो वो पहन के आई थी, इसलिए मैं मना कर रहा था पिंक मत खोलिए, लेकिन भैया ने कह रहे हैं खोल दो एक बार। बड़े मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती। एक वो पीस दिखा दीजिए, चलिए लहंगा दे दो, लहंगा ये बाद में दिखा देंगे। अब मुझे दे दो और आप वो देख लो जो मैं कह रहा हूँ, ये मुझे दे दो, ये भी दे दो, मैं अकेला करती तो आप यहीं पर देख लो कोई बात नहीं। ये लो मैं इसको यहाँ साइड में रख देता हूँ, मिल गई। भैया खुश हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत जल्दी मिल गई। ये देखिए गले से लहंगा मिड रेंज में, और ये इसका मैं पास से लाके आपको क्लोजअप दे रहा हूँ। ये देखिए स्टोन वर्क का काम कितना जरी, स्टोन वर्क का काम हैवी लहंगा। ये देखिए हो गया। आज की डेट में लोग रील बना बना के दिखाते हैं, इस तरीके से करते हैं, और इसमें गेटअप भी आता है, जर्कन लग रही है इसके बीच में। हाँ भैया ये बात सही कह रहे हैं, पूरे में जर्कन लग रही है, स्टोन नहीं है, खाली के स्टोन वर्क हो, जर्कन का काम है। दोबारा दिखा दो जर्कन, जर्कन का काम है, जर्कन दोबारा दिखा दो, ये इस पॉइंट पे जर्कन है। जर्कन महंगी होती है काफी, स्टोन वर्क से शाइनिंग ज्यादा होती है। इसका बॉर्डर, सॉरी दुपट्टे का बॉर्डर, ये देखिए, और ये इसका ब्लाउज, फ्रंट बैक और स्लीव्स, सब कुछ फ्रंट बैक और स्लीव्स, ठीक है। एक जो मैं आपसे पीस कह रहा था वो ये कह रहा था लेदर ब्लाउज में, जो मैंने बताया था पीछे के कस्टमर आए थे, उन्होंने भैया ने ये ऑर्डर दिया था, तो मैंने ऐसे भी बना दिया स्टिच ब्लाउज के साथ। उन्होंने कहा भैया ब्लाउज स्टिच चाहिए, लेकिन साड़ी मुझे बगैर विदाउट स्टिच चाहिए, तो उनके स्पेशल ऑर्डर पे मैंने ये पीस बना दिया। इसमें ऑल दो पैसे उल्टा होता है, ज्यादा लगते हैं, ये मत पूछिएगा क्यों और कैसे, वो समझते हैं इस बात को जितने भी है। ये देखिए ये और महंगी बैठती है साड़ी, जिसमें लंबाई हमें फालतू लेनी पड़ती है, इसकी लंबाई फालतू ली जाती है। ये देखिए और ये इसका हो गया। भाई ऐसा होता है कि कुछ हेल्दी लेडीज हैं, ठीक है, कुछ छोटी हैं लंबी हैं, तो उन सब के लिए इस तरह की साड़ी चाहिए होती है। तो ये साड़ी क्या होता है, अभी ये साड़ी यदि प्लेट बांधनी आती है तो गर्ल्स के भी आ जाएगी, और उनके तो आई जानी है, उनकी मम्मी के भी। ये लहंगा कैसा लग रहा है, लहंगा लहंगा बताइए प्लीज। ये देखिए इसका मैं पास से लाके आपको क्लोजअप दे रहा हूँ, ये देखिए आ गया, नीचे बॉर्डर भी हो गया। अभी मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए भैया, इसका दुपट्टा दीजिए। ये 2200 रुपये, 2200 रुपीज ऑन दी, एक हाथ के प्राइस बीच में बता दूँ देनी चाहिए। ये देखिए इसका पूरा मैं दुपट्टा हो गया, और ये इसका ब्लाउज हो गया, ठीक है, बस वो बाद में। और ये एक गाउन मैं दिखा रहा हूँ नेट के ऊपर,
इसमें हमने ये कट दिया यहाँ पे, टेपिंग कर दी, और यहाँ पे ये पूरे में जो सितारे चिपके हुए मोती का नीचे हमने ये पूरे में टेपिंग कर लिया, एक अच्छी फिल वाला दिया है, और ये पूरे में जर्कन, पूरे में देखिए जर्कन की शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है लुक। और ये दुपट्टा इसी तरीके से लिया जाता है, यदि ये इसको यहाँ पे जगह नहीं है घूम के इसकी रील बनाई जाए उस तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छी घूम आती है, लुक बहुत अच्छी आती है। डिजाइन कैसे लगे आपको मेरे ये जरूर बताइएगा प्लीज, और मुझे आज कितने नंबर देंगे खासतौर में उस सीक्वेंस वाली हाफ हाफ साड़ी के लिए वो बताइएगा। वेलवेट में कंचन जी नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ वेलवेट की साड़ी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ कल या परसों जब भी मैं आऊंगा, मैं आपको कुछ नई आइटम्स के साथ नई साड़ीज नए डिजाइन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। बस इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। मुझे कितने मार्क्स मिले वो भी बताइएगा। एक सीख और, आज मैं अभी आ रहा था तो सुबह सुबह भी देख रहा था काफी सारे लोग, ये होते ही है ना पान खा के थूकना पान, और अब तो ये गुटखा जो पिछले काफी सालों से 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 30-35 साल पहले सबसे पहले प्रिंस का गुटखा आया तो उससे पहले गुटखे नहीं चलते थे, लोग पानी खाते थे, 30-35 साल अराउंड हो गए उस समय, सबसे पहले प्रिंस का गुटखा आया था उस तरह से आते थे गुटखे, तो वो लोग खा खा के दो थूकना, और अब तो जगह जगह है पूरा हल किया हुआ है, सड़क पे इधर उधर थूक देंगे, हॉस्पिटल्स में थूक देंगे, लिफ्ट में थूक देंगे, सीढ़ी में स्टेयर्स में, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ते। भैया जितने लोग भी ये थूकते हैं मैं सब लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी अपने कमरे में भी थूकते हैं क्या? क्यों नहीं थूकते अपने कमरे में, अपने घर में क्यों नहीं थूकते, बाहर सड़क पे क्यों थूकते हो, क्यों जगह जगह गंदगी मचाते हो, कितने लोगों को आपकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हैं, वो नहीं सोचना। अच्छा एक बात और, ये जेंट्स में खासतौर पर मैंने आदत देखी है, लेडीज भी खाते हैं, कम खाते हैं, बहुत कम रही है, जेंट्स ही ज्यादा खाते हैं, जो वो होता है अपने घर में वॉश बेसिन में वहां पे पीक मार दी, यार कभी वॉश बेसिन साफ किया है? आपका थूका हुआ आपकी घर की लेडीज क्यों साफ करें, वाई व्हाट इज द नीड? लोग मुझे ये तो कहते हैं आपको गुस्सा आता है, आता है यार कि गलत कर रहे हैं, गुस्सा भी ना करें, जो आदमी पान खा के थूक रहा है पीक मार रहा है वहां पे खासतौर पे गुटखा खा के वॉश बेसिन में, आपकी घर की लेडीज जो है वो उसको साफ करेंगे, अरे वैसे साफ करना अलग होगी, आपके गुटखे को क्यों साफ करें यार, खुद क्यों नहीं करते, अब बाहर सड़क पे थूक रहे हो, अब क्यों नहीं अपने घर में थूकते रहे, अपने घर में थूको ना, अपने बेडरूम में थूको, कभी वहां पे नहीं थूकते, सड़क तो वो है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट एक यही है, कभी भी जैसे मैं कई बार कहता हूँ, कभी भी इस तरह का मन हो ना, एक बार ना कभी का बात जाना चाहिए, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार ना कभी कैंसर हॉस्पिटल होके आओ, वहां पे लोगों की सेवा के हिसाब से, दान दक्षिणा के हिसाब से, जैसे मर्जी जाओ एक बार होके आइए, वहां पता चलेगा जब ये मुंह का कैंसर होता है ना, यहाँ से रोट का अंदर का ये गले का ये कुछ भी कैंसर में ये भी पूरा कट जाता है, कुछ लोगों को हिस्सा हो जाता है, जाके अंदर से आत्मा दहल जाती है, दांत सारे खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, तो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट सब कम करो, बंद कर दो, बेकार है, बहुत कुछ है अच्छा लाइफ में। जब भी कभी इस तरह का खाने का मन हो ना, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में तो कौन सोचता, यदि कुछ सोचते हो तो माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में, चीजें पुरानी हो गई, मैं बातें जी जी सीख रहा हूँ, उनके बारे में सोचना। अब प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मत खाओ, बंद कर दो, कम करो, कम करने के भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, सौंफ होती है ये, बाकी मैं लेडीज से भी सबसे कहना चाहूंगा एक काम करिए, जो सौंफ होती है, हालांकि मुझे पता है जेंट्स इतनी जल्दी हाथ नहीं धरेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी ये होता है, 100 ग्राम सौंफ ली, आप एक काम करो 50 ग्राम को हल्का सा भून लो, 50 ग्राम को कढ़ाई में हल्का सा भून लो, 50 ग्राम कच्ची ले लो, तो कच्ची और पक्की 50 ग्राम हल्की सी भूनिए, 50 ग्राम कच्ची सौंफ, उसमें हल्की सी मिसरी डाल के दीजिए, तो वो चबाने में भी अच्छा रहता है, फायदा भी रहता है, पेट के लिए बहुत फायदा होता है, खासतौर पर जिनको पेचिस मतलब आँव जिसे कहते हैं लूज बहुत जल्दी हो जाते हैं उन सब के लिए फायदा करती है, वैसे भी आपकी जो पेट का पूरा सिस्टम है वो सब सही होता है, तो प्लीज वो सब दीजिए, इस तरह की चीज दीजिए जो अच्छे करें फायदा करें, पान बीड़ी पान और गुटखा तो खास तौर पर बहुत नुकसान करता है, प्लीज मत खाएं, कम खाएं, ना खाएं, कभी कभार हो गया बात अलग है, कभी कभार हो गया बात अलग है, बस यही कहूँगा, इसी तरीके से आपसे आज बधाई लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।